दोस्तों फाइनली एप्पल ने लॉन्च कर दिया है अपना एप्पल 10 और इस इवेंट में लॉन्च हुई और कई सारी चीज़ें जैसे एप्पल का 4K टीवी, एप्पल की वॉच, एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसके अंदर आप कॉल और रिसीव कर सकते हैं। साथ में उन्होंने लॉन्च करा एप्पल का 8 और 8 प्लस जो ऑनेस्टली मेरी नज़र में 7S और 7S प्लस, लेकिन शो स्टॉपर था एप्पल 10 और इसके बारे में हम डिटेल में अब इस वीडियो में बात करते हैं एंड माई फिंगर्स आर क्रॉस कि मैं इस वीडियो के साथ पूरा जस्टिस कर पाऊंगा। दोस्तों जैसा कि टिम कुक ने लॉन्च के टाइम पे बोला, दिस इज द बेस्ट एवर फोन, द बेस्ट आईफोन। आई ऑल्सो बिलीव कि एप्पल का आज तक का सबसे बेस्ट फोन है। इट्स सुपर ब्यूटीफुल फोन की आप कमाल की H2S स्क्रीन है, सुपर स्ट्रॉन्ग ग्लास है फ्रंट और बैक के अंदर, 5.8 इंच की डिस्प्ले है इसके अंदर, फिर भी हाथ में बड़े आराम से फिट हो जाता है क्योंकि H2S डिस्प्ले है इसके अंदर। OLED स्क्रीन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसके अंदर ब्राइटनेस के अंदर और कलर कंट्रास्ट के अंदर थोड़ा सा इशू आता है धूप के अंदर या मतलब आउटडोर की अगर मैं बात करूं, लेकिन एप्पल ने बोला है उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल फिक्स कर दिया है। तो लेट्स सी जब मार्केट में आएगा, क्योंकि इवेंट जो हुआ था वो इंडोर में हुआ था तो उस टाइम पर तो इतना नहीं बोल सकते हैं, आउटडोर पर आने के बाद डेफिनेटली इसके बारे में रियलिटी मालूम पड़ जाएगी। दोस्तों क्योंकि स्क्रीन एज टू एज है, ऊपर कैमरा और सेंसर के लिए थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है और नीचे बिल्कुल बेजललेस डिस्प्ले है, तो आप भी सोच रहे होंगे होम बटन गया कहाँ पर। दोस्तों आईफोन 10 के अंदर देयर इज नो होम बटन। यहाँ पर आपका जो टच आईडी सेंसर है वो काम नहीं करता है, टच आईडी की जगह यहाँ पर आ गया है फेस आईडी, और यहीं से मेरी वरीज जो है वो स्टार्ट होती हैं, क्योंकि जो फेस आईडी है एप्पल की वो यूज़ होगी एप्पल पे के अंदर भी और काफ़ी सारी जगह पे और यूज़ होने वाली एप्स वगैरह के अंदर। आप जैसे आईफोन यूज़ करते हैं तो आप जानते हैं वहाँ पर उनको टच आईडी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें अब फेस आईडी काम करेगा। अगर आपने ये इवेंट देखा है तो इस इवेंट में आपने देखा होगा जब रिकी इस चीज को अनाउंस कर रहे थे तो क्या हुआ था। लेट्स सी, लेट्स ट्राई दैट अगेन। हो हो हो, फेल्ड। और दोस्तों एप्पल के इवेंट में नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन फेल्ड हो जाए, और अगर आपने देखा हुआ उसके बाद रिकी ने क्या किया, उन्होंने अपने फेस को ऐसे वाइप किया। हो सकता है उन्होंने अपने फेस पे से थोड़ा कुछ ऑयल हटाया हो या उन्होंने मॉइस्चराइजर लगा रखा हो, या फिर एक मेरी वरी ये भी है अगर किसी ने मेकअप कर रखा है तो क्या होगा, या किसी तरीके की उन्होंने अपने फेस पे कुछ अप्लाई कर रखा है तो क्या होगा। तो ये एक चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से फिक्स हो जाएंगी, एप्पल ज़रूर इसके ऊपर काम कर रहा है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें तो उन्होंने डेमो के अंदर बताई थी कि अगर किसी की पिक्चर है तो ये काम नहीं करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि अगर आइडेंटिकल ट्विन है तो शायद हो सकता है कि ये दूसरे के फेस से भी खुल जाए, तो देखने वाली चीज़ है इतनी सिक्योर होएगी कैसे होएगी, बिकॉज अब तो फॉर श्योर है कि टच आईडी का ऑप्शन उन्होंने हटा दिया है, फेस आईडी ही अब लॉन्च होने वाली है। शायद इसी वजह से उनका जो डिलीवरी है या उनकी बुकिंग जो है थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रही है। दोस्तों जब भी एप्पल का फ़ोन आए इट मस्ट बी वेरी सिक्योर, क्योंकि एप्पल भी ऐसा ही बोलता है कि उन्होंने अपने जो फेस आईडी जो है वो कहीं सर्वर पे नहीं जाती है, उस फेस आईडी को वो अपने फ़ोन के अंदर ही स्टोर करते हैं, और जैसे जैसे बार बार जब आप फेस रिकॉग्नाइज कराते हैं तो हर बारी वो फेस की कुछ और इन्फॉर्मेशन अपने आप पे गैदर करता है। दोस्तों वो बात जो पिछले 2 साल से आई वॉज स्क्रीमिंग आउट और एप्पल ने खैर मेरी बात सुन ली है, अब खैर एप्पल ने फ़ोन लॉन्च कराया तो उसके अंदर फास्ट चार्जिंग भी है, उसके अंदर वायरलेस चार्जिंग भी है, उसके अंदर वाटरप्रूफ भी है एंड कैमरा क्वालिटी इट्स ऑनेस्टली इट्स इनक्रेडिबल। जिस तरीके से मैंने उसका अब की बारी डेमो देखा है, सबसे पहले मैं बात करूँगा फ्रंट कैमरे की, क्योंकि फ्रंट कैमरा काफ़ी सारी चीज़ों में और भी काम आता है, आपका फेस आईडी के अंदर भी काम आता है, तो डिटेल में मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। फ्रंट कैमरा डेफिनेटली अब करिए अगर आप वीवो या ओप्पो का फ़ोन लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको सेल्फी लेनी है, तो अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप एप्पल के फ़ोन के लिए जा सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे फीचर्स इसके अंदर हैं। आपने एनिमोजी फीचर अगर नहीं देखा तो थोड़ा सा डेमो देख लीजिए, इट्स अ इनक्रेडिबल फीचर। और इसके अलावा अगर आप देखें तो बुके इफेक्ट इसके अंदर बहुत अच्छा है, नेचुरल लाइट, स्टूडियो लाइट्स, स्टेज लाइट, काफ़ी सारे इफेक्ट्स इन्होंने दिए, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। अब मैं बात करता हूँ रियर कैमरे की। रियर कैमरे में आप देखेंगे तो 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल के दो कैमरे हैं, एक का जो अपाचर है वो f1.8 है और दूसरे के अंदर f2.4 का अपाचर है। आई होप ये भी काफ़ी अच्छा काम करने वाले हैं। और अगर एप्पल के अंदर अब जो है बायोनिक चिप है, और बायोनिक चिप का मतलब यही है कि जो फेस आईडी के अंदर भी ये काम आने वाली है। साथ में एप्पल ने बोला है कि अब कैरी का जीपीयू जो है, यानी कि अगर कही जाए तो एप्पल ने अब कैरी ये बोला है कि अब तक का सबसे फास्टेस्ट फ़ोन है और होना भी चाहिए। जहाँ तक दोस्तों बैटरी की बात है, बैटरी नॉर्मली तो एप्पल कभी भी रिवील नहीं करता है कि बैटरी कितने mAh की उनके फ़ोन के अंदर, लेकिन अब की बार उन्होंने ये बोला है कि जो बैटरी है वो 7 से 2 घंटे ज़्यादा बैकअप देने वाली है। चलो अगर 2 घंटे ज़्यादा बैकअप देने वाली है, फिर भी आईफोन यूजर्स नॉर्मली जो है बैटरी की वजह से थोड़ा सा परेशान रहते हैं, उनका बैकअप इतना आता नहीं है, 2 दिन निकालने तो बस इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अगर आपका ठीक ठाक यूज़ है। आई होप बैटरी के ऊपर भी अगर थोड़ा सा एप्पल ने काम किया होता, बट चलो 2 घंटे ज़्यादा दिए, दैट्स ग्रेट। अब मैं बात करता हूँ इसकी प्राइसिंग की और अवेलेबिलिटी की।
प्राइस जो है वो $999 से स्टार्ट होता है। दो वेरिएंट इसके अंदर अवेलेबल है, 64GB और 256GB का वेरिएंट इसके अंदर अवेलेबल है। 27 अक्टूबर से इसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी और 3 नवंबर से इसकी शिपमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी। वैसे दोस्तों, क्यों एप्पल इतना लेट कर रहा है इस फ़ोन को मार्केट में लाने के लिए, आई डोंट नो। हो सकता है 8 या 8 प्लस का स्टॉक उनको ख़त्म करना है, इसलिए थोड़ा सा 8 और 8 प्लस को पहले लॉन्च कर रहा है, उसके बाद 10 को थोड़ा सा लेट लॉन्च कर रहा है। या फिर हो सकता है अभी भी थोड़ी सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसके ऊपर चल रही है और शायद मार्केट में जब तक आएगा तब तक हमारे पास एक परफेक्ट प्रोडक्ट आने वाला है। तो वेट कर रहा हूँ मैं इस प्रोडक्ट की, डेफिनेटली मैं इस प्रोडक्ट को खरीदने वाला हूँ, लेने वाला हूँ, क्योंकि जिस तरीके की प्रेजेंटेशन थी, जिस तरीके का डिज़ाइन था, डेफिनेटली एक लीप लेके जा रहा है, काफ़ी आगे जा रहा है डिज़ाइन फोन से मामले में। हालांकि इस तरीके का एक डिज़ाइन अभी थोड़े दिन पहले लॉन्च हुआ था फ़ोन आपका एसेंशियल, उसके अंदर भी ऐसा डिज़ाइन आया था, कुछ मिलता जुलता डिज़ाइन था, बेजल लेस था, ऊपर से थोड़ा सा कैमरे के लिए जगह छोड़ी हुई थी। बट एप्पल एप्पल है दोस्तों, आएगा तो ज़रूर फिर दोबारा से लोगों की किडनियाँ बिकने वाली हैं, तो लाइन में लगने के लिए तैयार हो जाइए। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे काफ़ी इससे हेल्प मिलती है। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।